खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां योगी सरकार उत्तर प्रदेश में समाज के हर तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जिसका प्रभाव ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी देखने को मिल रहा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वो अब परंपरागत आय के साधन छोड़कर नए व्यवसाय से जुड़कर प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ के प्रेक्षागृह में आयोजित भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 2024 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़े प्रमुख लोगों ने भी इसका उल्लेख किया। इस अवसर पर ट्रांसजेंडर पहचान पत्र और ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र और उसके लाभ पर भी चर्चा की गई। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित स्माइल योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ गरिमागृह, आयुष्मान प्लस कार्ड, छात्रवृत्ति इत्यादि का लाभ लेने की प्रतिक्रिया पर भी विमर्श किया गया। बहुत रेयर केसेस में ऐसा कोई इंसान होगा जो अपनी लाइफ के बारे में एक बार आंसू नहीं गिराता हो। लोग भीड़ जमा हो जाएगी, बहुत सारी चीजें करते हैं कि हम किन्नरों के लिए ये कर रहे हैं, हम किन्नरों के साथ ऐसा कर रहे हैं। अभी मैं भी यहां बैठी थी, मेरे बगल में कुछ लोग चर्चा भी कर रहे थे, मैंने सुना, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आप किसी चीज को, चीजों में आप जुड़े, पूरे दिल से जुड़े, दिखावे के लिए एक सरकारी कार्यक्रम बना करके बस एक खाना पूर्ति करने के लिए नहीं जुड़े। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।